बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम ने फरमाया अपनी बीवी के साथ ये पांच काम करने वाला बंदा जहन्नम में ज़रूर जाएगा नंबर एक वो शख्स जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है बीवी के आगे वाले मकाम में या बीवी के पीछे वाले मकाम में दोनों सूरतों में जहन्नम में जाएगा पीछे वाले मकाम में हम बिस्तरी वैसे ही शरा हराम है हालत हैज़ में जिमा करना हराम व नाजायज है अगर जोजैन की रजामंदी से इस गुनाह का इरतका हुआ है तो दोनों गुनाहगार होंगे दोनों अस्तगार करें और बेहतर ये है कि इसके बाद कुछ सदका करे ताकि नेकी से गुनाह धुल जाए इस्तात हो तो एक दिनार चार इशारिया तीन सौ चौहत्तर ग्राम सोने का सिक्का या आधा दिनार या उसकी कीमत सदका करें इबन अब्बास रजाल तन बयान करते हैं कि रसूल क्रम सल वसलम ने फरमाया जो शख्स भी हाइजा औरत से हम बिस्तरी कर ले वो एक या आधा दिनार सदका करे इमाम जाफिर सादिक सदक रजाल्ल् तह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पीछे वाले मकाम में हम बिस्तरी करता है या हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ जमा करे तो इसके घर से परेशानियाँ और तकलीफें खत्म नहीं होती इसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं और सारी जिंदगी इसकी गरीबी तंगदस्ती और तकलीफों में गुजरती है नबी करीम सल्ला वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि हैज की हालत में या हैज के अलावा भी बीवी के साथ उसके पीछे वाले मकाम में हम बिस्तरी करना कबीरा गुना है और नबी करीम सर्शाद फरमाया कि जो बंदा बीवी के पीछे वाले मकाम में जमा करे ऐसा बंदा लानती है जहन्नम का हकदार है तो हैज़ की हालत में वैसे ही बीवी के पास जाना यानी के अम्बिस्त्री करना मना है और पीछे वाले मकाम में हैज की हालत में भी हैज के अलावा भी जिमा करना गुनाह कबीरा में से एक गुनाह हैज के अलावा भी जिमा करना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है नंबर दो वो मर्द जो बीवी को बात बात पर तलाक की धमकियां देता है उसे डरा धमका के रखता है उसको घर से निकाल देता है दूसरों के सामने बीवी को

जो दुनिया की जिंदगी में उसने तुझ पर जुल्म किए थे तेरे साथ ज्यादतियाँ की थीं, उसके बदले तू इसकी सारी नेकियाँ ले जा और अपने गुनाह इसके सर पर डाल जा तो कभी भी बीवी को तलाक की धमकियां ना दो उसको घर से ना निकालो और दूसरों के सामने बीवी को जलील ना करो ऐसा करने वाला बंदा जहन्नम का हकदार है नंबर तीन वो बंदा जो बीवी के साथ जानवरों के जैसा सलूक करता है बीवी को मारता है इस तरह जिस तरह जानवरों को मारा जाता है हाथ तोड़ दिया बाजू तोड़ दिया टांग तोड़ दी चेहरे पर मारा चेहरा नीला पीला कर दिया हालांकि हजूर अक्रम सल्ला वसल्लम ने तो जानवरों के चेहरे पर भी मारने से मना फरमाया इंसान के चेहरे पर बीवी के चेहरे पे मारना तो बहुत दूर की बात है और जो बंदा अपनी बीवी बच्चों पर जुल्म करता है मारता पीटता है बीवी को गाली देता है तो नबी करीम वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स लानती है कि जो बीवी बच्चों को डरा धमका के रखता है बीवी को गाली देता है जब वो घर से बाहर होता है तो बीवी बच्चे खुश होते हैं और जब वो घर में आ जाता है तो बीवी बच्चे डर जाते हैं सहम जाते हैं तो ऐसा करने वाला बंदा भी जानम का हकदार है नबी अलैहि वसल्लम ने औरतों को मारने पीटने या उसको किसी भी किस्म की तकलीफ देने से सख्ती से मना फरमाया तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह ना पीटने लगे जिस तरह गुलाम को पीटा जाता है और फिर दूसरे दिन जिनसी में लान की तकमील के लिए उसके पास पहुंच जाए एक दफ़ा नबी करीम सल्ला वसल्लम से बीवियों के हकूक के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्ला वसल्लम ने फरमाया जब तुम खाओ तो उसको खिलाओ और जब तुम पहनो तो उसको पहनाओ ना उसके चेहरे पर मारो और ना बुरा भला कहो और ना जुदाई इख्तियार करो इसका मौका आ भी जाए ये घर में ही हो आप अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को मारने पीटने वालों को खराब लोग फरमाया अपनी बीवियों को मारने वाले अच्छे लोग नहीं हैं और खुद नबी करीम वाली वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी पर कभी हाथ नहीं उठाया कुरान करीम ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि अगर तुम्हें बीवी नापसंद है तो उसे तंग करने की कोशिश ना करो कि ये अकल इंसाफ शराफत और मर्दानगी के खिलाफ है काबिल नफरत चीज सिर्फ अखलाकी फसाद है शक्लो सूरत और रंगो रोगन नहीं बीवी शरीफाना माशरत की हर सूरत में हकदार है ऐसी सूरत में एक मुसलमान का रवैया ये होना चाहिए कि खुदा का खौफ करे और शराफत और हसन सलूक का मुजाहरा करे और जहरी शक्लो सूरत के मुकाबले में आला इखलाक और इंसानी कदरों को तरजीह दे अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने हजरतल के खुतबे में इसी बात को यूं बयान फरमाया था औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो क्योंकि तुमने उन्हें बतौर अमानत अकद में लिया है नंबर चार बीवी के माँ बाप को गाली देने वाला बात बात पर तेरी माँ ऐसी है तेरा बाप ऐसा है बीवी के माँ बाप को गाली देना शुरू कर दे गाली देना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है और अगर आप बीवी के माँ बाप को गाली दोगे तो उसके दिल में तुम्हारी नफरत बैठेगी और वो तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कभी नहीं करेगी इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तना फरमाते हैं कि अगर कल को तुम अपनी बेटी का निकाह करो और तुम्हारा दिमाग तुम्हें गालियां दे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कभी भी अच्छा नहीं लगेगा तो अगर कोई बंदा अपनी बीवी को भी गालियां दे उसके माँ बाप को भी गालियां दे बहन भाइयों को भी गालियां दे ये भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है सैदना अब्दुल्ला बिन उमर व बिन अलास रजील्ला से मरवी है कि रसूल सल्लासम ने फरमाया आदमी का अपने वाले को गालियां देना कबीरा गुनाहों में से है कहा गया कि क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को भी गाली देता है आप सल्ला ने फरमाया हाँ कि वो किसी आदमी के बाप को गाली गलोच करता है तो उसके बाप को गाली गलोच करता है और ये उसकी वालदा को गाली देता है तो वो उसकी वालदा को गाली देता है नंबर पाँच वो बंदा जो अपनी बीवी को बेपर्दगी पर मजबूर करता है बीवी पर्दा करने वाली है और वो कहता है कि बेपरदगी की हालत में शादी में चलो बेपर्दगी की हालत में बाजार चलो ऐसे बंदे को देवस कहते हैं वो बंदा जो अपनी बीवी को बेपर्दगी करने पर मजबूर करता है तो वो बंदा भी जहन्नम में जाने का हकदार है अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे आमीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह के निन्नवे नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें